अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुशामदीद करती हूँ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नॉवेल बेहद है ये जुनूनियत। किस्त नंबर एक। अस धनक हाशमी। फैंटेसी बेस्ड नॉवेल है, यूनी बेस नॉवेल है, मोस्ट रोमांटिक बेस है, पॉजिटिव हीरो बेस, ट्रू कपल लव स्टोरी बेस है, थ्रिल्ड बेस है, एक्शन बेस, सस्पेंस बेस्ड और मेरी इजाज़त के बगैर कॉपी पेस्ट करना ममनू है लिखा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने परमिशन ली है राइटर से। मोहब्बत आरजी नहीं होती, बल्कि वो मोहब्बत ही क्या जो आरजी हो। मोहब्बत रात की चांदनी में खिड़की के पार जगमगाते उस जुगनू की मानिन है, जो अपने पंख होने के बावजूद भी रोशनी तलाशने से कासिर ही रहता है। और अगर मोहब्बत एकतरफा हो तो किसी तारीख शब के साए की मुशाबियत रखती है। मोहब्बत वरासत नहीं मांगती, मोहब्बत तो किसी कदीम दरख्त का घना साया मांगती है, ऐसा साया जो उसे खौफनाक जंगल की वहशत से महफूज रख सके। यकतरफा मोहब्बत कब्ज़शुदा परिंदे की मानिंद होती है, जो उड़ान के जद्दोजहद में थक हार कर उसी पिंजरे में मरकर बिना कफन लपेटी दफन हो जाती है। या यूं कहना बेहतर होगा कि अपनी मौत आप ही मर जाती है। कुछ कहानियां अधूरी नहीं रहती, फिर चाहे उनमें कोई कुछ हासिल करे ना करे, लेकिन वो अमर रहने के लिए मिट जाती है। और मोहब्बत, आह मोहब्बत तो ऐसा जज्बा है जिसकी तपिश से आज तक कोई जीरो बच नहीं सका, और अगर बच भी गया तो जुनू बन कर राख हो गया। लेकिन दरहकीकत जुनू राख नहीं, जुनू शोला है, ऐसा शोला जिसमें जलने वाला फरीक भस्म हो जाए और वो तपिश शुदा राख ठंडी भी हो जाए तो भी कुछ बाकी रह जाता है। और क्या ना कि जुनू तो फिर जुनू है, और जब ये अपना आप मनवाने पर आता है तो लाखों सितमगरों की हुक्मरानी अपने रगों पे में समेट लेता है। राख हो जाए पर आग न बुझे, ऐसा है जुनू। ये कहानी भी जुनू में लिपटे चंद कहकशाओं की है, जिन्हें जिंदगी का सफर एक दूसरे तक तो ले गया, लेकिन अब देखना ये है कि क्या ये जुनू उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है, या फिर ये जुनू उनका रोग बन जाएगा। तिलकान जैदी, रिजा जैदी और अमल जैदी की ये कहानी है, रोबा जैदी, इरजाल जैदी, मुर्तसिम जैदी की। अब देखते हैं कि किस्मत उन्हें किस मोड़ पर ला खड़ा करती है। वो इस वक्त रनिंग मशीन पर तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। सुर्ख सफेद रंगत, नीली छोटी छोटी आंखें जो इस वक्त हद दर्जे सुर्ख थी, अनाबी लब, खड़ी सतवा नाक, कसरती जिस्म, 6 फीट से निकलता कद, कलाई में बंधे सया आर, पेशानी पे बिखरे ब्राउन बाल, बाजू पे बड़ा सा टैटू की शक्ल में लिखा रिंग के बैंड्स पहने, स्किन कलर के घुटनों तक आते शॉर्ट्स में वो मर्दाना वजाहत का शाहकार मालूम हो रहा था। छोटे साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो अभी रनिंग मशीन पर ही था कि किसी मुलाजिम की पुकार पे पलट के एक संजीदा निगाह दरवाजे पे डाल कर अपनी रफ्तार तेज रफ्तारी से दौड़ जारी रखी। हाँ आ जाओ, मुख्तसर सा जवाब दिया गया। छोटे साहब, बड़े साहब नाश्ते पर आपके मंतजर है, वो मौतिब अंदाज में नजरें झुकाए बोला, और अब उसके जवाब का मंतजर था। संजीदगी से वो रनिंग मशीन से उतर कर अब टॉवल से अपने चेहरे बांसुओं और सीने से पसीना पोंछ रहा था, जबकि मुलाजिम उसका इशारा पाते ही वहां से रफू चक्कर हो गया। कुछ ही देर में वो वाइट पैंट कोट में मलबूस, सूटेड बूटेड सा, ब्राउन बाल जेल से सेट किए, बाएं कलाई में पहनी बेशकीमत लग्जरी गोल्ड वॉच में वक्त देखता इस महल नुमा घर के जीने उतरता दिखाई दिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वो डाइनिंग हॉल में दाखिल होता अपनी मखसूस नशिस्त पे बैठा। गुड मॉर्निंग माई सन, ज़ग़म ज़ैदी ने मुस्कुराते हुए रूबरू बैठे अपने बेटे की पीठ थपथपाई तो वो भी उन्हें देखकर हल्के से स्माइल पास करता ब्रेड पे बटर लगाने लगा। रोबास, मेरी जान उड़ गया मेरा शहजादा। पास बैठी आलियाना बेगम ने प्यार से उसकी पेशानी से बाल हटाए। यस ममा, वकीदत से उनके हाथ अपनी आंखों से लगाए, जबकि सरगम जैदी और मुर्तसम जैदी ने यह मंजर बड़ी दिलचस्पी से देखा। हाकिम जैदी और आयमा बेगम की 3 औलादें थी, बड़ा बेटा सरगम जैदी, उनसे छोटी नगीन और सबसे छोटा बेटा इब्तिहाज जैदी। सरगम जैदी की शादी हाकिम जैदी ने अपनी मर्जी की लड़की आलियाना से करवाई थी। उन दोनों को अल्लाह ने 3 औलादें अता की। सबसे बड़ा
इर्जाल जैदी जो एक बिजनेस टाइकून था, उससे छोटा रोबा जैदी जो हाल ही में एमएनए बना था, और सबसे छोटा मुर्तसिम जैदी जो यूनी में बिजनेस स्टडी कर रहा था, जबकि छोटा इब्तिहाज जैदी जो ना जाने किस दुनिया का मुसाफिर बन चुका था। अच्छा बाबा जान, मामा जान, अब मुझे निकलना चाहिए, आज मेरा एक न्यूज़ चैनल के साथ इंटरव्यू है। उबराए नाम नाश्ता करता अचलत में उठ खड़ा हुआ और उनकी पेशानी पे अकीदत से बोसा दिया। अच्छा मेरी जान, ध्यान से जाना, वो फिक्रमंदी से बोली। वो मुस्कुराते हुए जाने के लिए मुड़ा, लेकिन कुछ याद आने पर वापस रुख पलटा। अमल गुड़िया कहाँ है? उसने मतलाशी निगाहें इर्द गिर्द दौड़ाई। वो तो अभी तक सो रही है। खामोश बैठे मुर्तसिम ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? रुबास ने फिक्रमंदी से इस्तफसार किया। हाँ बेटा ठीक है, मैं भी इसे जगाने ही जा रही थी। तुम जाओ बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना क्योंकि आज हमें गाँव जाना है। आलियाना बेगम ने अपनी 10 दफ़ा कही हुई बात दोहराई। यस मम्मा जान, मुझे याद है। एंड छोटे, तुम अमल को साथ लेकर ही जाना। वो ना चाहते भी अमल के लिए अपनी फिक्र नहीं छुपा सका। उसकी फुप्पू नगीन की इकलौती औलाद थी। नगीन तो अमल की पैदाइश पर इंतकाल कर गई थी जबकि उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली और अमल को अपनी बेटी तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया। और ये सब देख कर हाकिम जैदी अपनी नवासी को अपने घर ले आए। वो उस घर में नाजो पली थी। बचपन से लेकर आज तक उसकी कोई भी ख्वाहिश रद्द नहीं की गई थी और वो थी भी ऐसी ही कोल मटोल सी। उसकी मनमोनी सूरत किसी को भी उसकी जानब खींच सकती थी। जी भाई ठीक है, आप आराम से जाइए। मुर्तसिम उसकी नेचर से वाकिफ था इसीलिए उसे तसल्ली बख्शी तो वो खामोशी से सर हिलाता चल दिया। उन तीनों भाइयों के दरमियान बहुत ज़्यादा प्यार था। वो एक दूसरे के हाकिम भाई कम बेस्ट फ्रेंड्स ज़्यादा मालूम होते थे। बाबा जान, मुझे बड़े भैया की बात बहुत याद आ रही है, मुर्तसिम ने उदास शक्ल बनाई। लाडले आज रात हम जाते रहे गाँव, जरगम साहब उसका उदास चेहरा प्यार से देखकर बोले तो वो सर हिला कर रह गया। जबकि आलियाना बेगम अभी उठकर किचन में गई थी क्योंकि अगर वो यहाँ मौजूद होती तो बड़े बेटे के चंद दिन की जुदाई पे टस हुए बहाने में मशगूल हो चुकी होती। इर्जाल, रुबास, मुर्तसिम और अमल में उनकी जान बसती थी और इस बात से सब बखूबी वाकिफ थे, इसीलिए उनके सामने इर्जाल का जिक्र नहीं किया था, वरना अपने लख्त जिक्र की याद तो सरगम साहब को भी आ रही थी। इर्जाल कुछ दिन किबले ही आगा जान के बुलाने पर किसी काम से गांव गया था, लेकिन आलियाना बेगम तो माँ थी इसीलिए उनसे अपने बेटे की जुदाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो लोग भी आज आगा जान के बुलाने पर ही गाँव जा रहे थे। आलियाना बेगम का तो बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर गाँव चली जाए और अपने लख्त जिक्र को सीने से लगा ले, इसीलिए वो रुबास को भी रात को जल्दी लौटने की हिदायत करना नहीं भूली थी। एक आला तर्ज पे बने खूबसूरत और कुशादा कमरे का मंजर था जहाँ जमीन पे सफ़ेद टाइल्स जबकि कमरे की छत सयाह और सफ़ेद का इम्तिजाज थी। आला तर्ज का फर्नीचर और अगर इस कमरे की दीवारों पे नज़रसानी की जाए तो दो दीवारें सफ़ेद जबकि दो सयाह रंग, जबकि दरवाजे के एन मुकाबिल दीवार पर तीखे नए नकोश वाली किसी लड़की की बड़ी सी तस्वीर नस्ब थी। इस तस्वीर के नीचे जहाज़ी साइज बेड पे कीमती लिहाफ फोड़े कोई बच्चू दुनिया माफिया से बेखबर ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहा था और साइड टेबल पे पड़ा महंगा तरीन आईफोन मुसलसल चिंगार रहा था। कोई मुझे सुकून से सोने क्यों नहीं देता? उसने आंखें मसलते हुए चेहरे से लिहाफ बाहर निकाला और गैज़ व गज़ब की हालत में मोबाइल दीवार पे दे मारा। उससे किबले के मोबाइल दीवार के साथ लगकर चिकनाचूर होता किसी ने बड़ी महारत से कैच कर लिया। जंगली बिल्ली, ये तुम क्या कर रही थी? इतना महंगा तरीन आईफोन तोड़ रही थी, वैसे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। खैर, वो कहते हैं ना कि जब इंसान को कोई चीज़ मैसर होती है वो उसकी कदर नहीं करता और जब छिन जाए तब उसे एहसास होता है। और एक मज़े की बात बताऊँ, छिन जाने के बाद कदर नहीं पछतावा बाकी रह जाता है। मुर्तसिम बिना रोके बोलता ही चला गया। मुर्तसिम के बच्चे, तुम यहाँ सुबह सुबह मेरे कमरे में किस खुशी में नमोदार हुए हो? और तुम्हें क्या मैं अपना फ़ोन तोड़ूं या उसे कहीं जाके बेच दूं? उस रात से उठती उसके ऐन मुकाबिल आ खड़ी हुई और अब लड़ाका औरतों की तरह कमर पे हाथ रखे एब्रो उठकाए उसी की जानब देख रही थी। दुधिया रंगत गुलाबी लब सफ़ेद नाइट सूट से तन किए सयाह बालों को केचर मुकीत किए जिनसे कुछ आवारा लटे उसके चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। छोटी सी नाक, काली बड़ी बड़ी गहरी आंखें जिनमें गुस्सा नुमाया था। जबकि मुर्तसिम जैदी की बात की जाए तो ब्लैक जीन्स के ऊपर रेड शर्ट सेबतन के बाल जेल से सेट किए गुंदमी रंगत हल्की बड़ी शेव काली आंखें नाबिला कुशादा सीना खड़ी सुतवा नाक उस सादा से हुलिये में भी बहुत हैंडसम लग रहा था। ओ हेलो, तुम अपने फ़ोन के साथ जो मर्ज़ी करो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो क्या है ना कि अगर तुम्हारा फ़ोन टूट जाता है तो बाबा जान को तुम्हें नया फ़ोन दिलाना पड़ता और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता, उसने बारवाब लहजे में कहा। तो जनाब मोहतरम, आप ज़रा अपनी इस इंतहाई जाहिलाना सोच की वजह आश्कार करेंगे? उसने दांत पीसते हुए कहा। जी मोहतरमा, क्यों नहीं क्यों नहीं। तो जी मेरी इस जाहिलाना उप्स आई मीन मेरी इस शाहाना सोच की वजह यह है कि अगर बाबा जान आपको नया फ़ोन दिलाएंगे
तो मेरे दिल के कोने कोने पे ठा ठा करके पटाखे फूटेंगे और मैं खुद पे तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुर्तसिम ने मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ते उसके जाने देखा जहाँ उसकी आंखों में शरारत रक्स कर रही थी। क्यों, तुम क्या कोई फफे कुटनी सास का किरदार अदा कर रहे हो जो तुम्हारे दिल पे ठा ठा होगी, उसने गुस्से के लहजे में कहा। नो बट वो क्या है ना कि मेरे बाबा जान अगर तुम्हें फ़ोन दिलाएंगे तो उनके पैसे लगेंगे और वो पैसे कमाते कहाँ से। बताओ बताओ, मुर्तसिम ने बत्तीसी निकाली। जाहिर सी बात है, हमारा फैमिली बिजनेस है, अमल ने नाक भूँ चढ़ा कर कहा। तो इस फैमिली बिजनेस में मेरा हिस्सा भी शामिल है राइट, उसने गोया तस्दीक चाही। राइट, उसने कुछ जानती निगाहों से उसकी जानिब देखा। तो अगर मेरे हिस्से में से चंद हज़ार कम हो गए तो मेरे दिल में हसीन तरीन फूल नहीं खिलेंगे बल्कि दिल पे ठा ठा ही होगी, उसने एक अदा से अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। तुम जैसा कंजूस मक्खी चूस इंसान मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा, उसकी सोच पे तासुब से सर हिलाती हुई घूरने लगी। देखो कि भी नहीं, क्योंकि मैं अपनी एक ही वैरायटी हूँ, उसने फर्जी कॉलर झाड़ी। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, नाक से मक्खी उड़ाने वाला अंदाज था। तुम तो मुझसे चलती ही रहना, मस्ती गुसीली तासरात से कहा गया। तुमसे चलेगी मेरी जूती, उसने मुंह बसोरा। वैसे तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या लेने आए थे, कुछ याद आने पर उसने फौरन इस्तफसार किया। मैं तो बस ये कहने आया था कि तुम अगर बातों में लगी रही तो आज यूनी में सर साजिद का लेक्चर कौन लेगा, बाकी तुम खुद समझदार हो। बात के खिताब पर उसके दांत हंसी की ज्यादती से मुकम्मल बाहर निकले। ओह या खुदाया, मुर्तसिम के बच्चे, तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे। वॉल क्लॉक पर नज़र दौड़ाते, परेशानी से पेशानी पे बिखरे बाल हटाते, उसे सख्त घुरी से नवाजती, वार्डरोब से एक सादा सा अंगूरी रंग का प्रिंटेड सूट निकालती, तेज़ी से वॉशरूम में घुस गई, जबकि वो तासुब से नफ़ी में सर हिलाता बाहर चला गया। जहाँ इस वक्त लाहौरी निहारी रेस्टोरेंट, ये लंदन का फाइव स्टार रेस्टोरेंट गहमागहमी का आलम था। हर कोई अपने अपने काम में मसरूफ़ दिखाई दे रहा था। वेटर्स का स्टाफ अपनी अपनी ड्यूटी संभाले अचलत में इधर से उधर टेबल्स पर मौजूद हर आने वाले कस्टमर से ऑर्डर्स लेता, और अगर यहाँ के किचन पे नज़रसानी की जाए तो इस रेस्टोरेंट के सबसे काबिल शेफ फिरोज अंसारी, जो यहाँ के CEO थे, वो पेशावराना अंदाज में अपना काम बखूबी सर अंजाम दे रहे थे। हालांकि यहाँ पे बेहतरीन कुक मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद भी आज वो किसी के लिए अपने हाथ तेजी से चला रहे थे, और इसके पीछे पोशीदा वजह से यहाँ का तमाम स्टाफ बखूबी वाकिफ था। सर, क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूँ? जय, जो यहाँ का बहुत अच्छा शेफ था, हसबे आदत बोल पड़ा। जैक का ताल्लुक लंदन से था और वह एक ईमानदार और अच्छा इंसान था, यही वजह थी कि वो तमाम स्टाफ में फिरोज अंसारी का फेवरेट था। नहीं जैक, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं खुद कर लूँगा। तुम बस एक काम करो, बाहर जाकर देखो कि क्या वो लोग आ गए हैं। फिरोज अंसारी ने हाथ में पहनी महंगी तरीन घड़ी में नफीस सी घड़ी में वक्त देखते हुए एक नज़र उस पर डाली और फिर उसे किचन से बाहर जाता देख कर दोबारा अपने काम में मशगूल हो गए। ये मंजर लंदन के बीच साइड का था जहाँ इस वक्त काफ़ी भीड़ नज़र आ रही थी। उसकी बड़ी वजह ये थी कि जून का महीना चल रहा था, जिसकी बदौलत मुख्तलिफ ममालिक जहाँ उन दिनों गर्मी अपने रूज पर थी, वहाँ से सियाहत के लिए लोगों की इस खूबसूरत और पुरकशिश शहर में भरपूर आमद में इजाफा हो रहा था। किसी के कैमरे की आंख इन खूबसूरत पलों को कैद करती नजर आई तो कोई इस हसीन मंजर के शहर में जकड़ा दिखाई दिया, कोई बीच साइड गीली रीत पे बैठा कुछ खाने मशगूल था, तो वहीं कोई सेल्फीज लेने में मगन, तो कोई कपल खुशगप्पियों के साथ साथ इस मंजर की खूबसूरती को निहार रहा था। हर कोई अपने अपने जाविये से यहाँ अपनी सियाहत से भरपूर लुत्फानंदोज हो रहा था। वो भी गीली रेत पे अपने नरम और नाजुक दुधिया पाँव रखती, सुस्त रवि से चहलकदमी करती, किसी गहरी सोच में गुम नजर आई। मिस सिलिकॉन, बराए मेहरबानी आप अपनी इस ख्याली दुनिया से बाहर आकर हकीकत का साफ शफाफ आईना देखिए। रिजा, जो पिछले 5 मिनट से दूर खड़ी उसे आवाज़ से बुलंद पुकार रही थी, जिसका इस पर जर्रा बराबर भी असर होता दिखाई नहीं दिया, तो तप कर उसकी जानिब आते बाजू से थामते से झंझोर डाला। हाँ हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, बताओ रिजा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही, सब ठीक तो है ना, तो मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? होश की दुनिया में लौटते साथ उसने सवालों की भरमार कर दी। उफ लड़की, तो मुझे कुछ बोलने का मौका फराहम करोगी तो बोलूंगी ना, रिजा ने गुस्से से तप कर कहा। हाँ कहो, वो अपनी हरकत पर शर्मिंदा होती बोली। सिलिकॉन, तुम्हें याद है ना कि हमें यूनि ऑफ होते ही कहीं जाना था, उसने दांत चबा चबा कर कहा, जो उसके गुस्से का वाज़ेज़ार था। ओ हाँ याद आया, सॉरी यार, मैं इस हसीन मंजर में इस कदर खो गई कि वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हो सका।
एक तो ना जाने क्यों तुम्हें मेरी कोई भी बात समझ नहीं आती। बचपन से लेकर आज तक यही बात समझाती आई हूँ कि हमारे रिश्ते में ये थैंक यू सॉरी नामी चीज़ की कोई जगह नहीं है। लेकिन ये सिलिकॉन जैदी ही क्या जो मेरी बातों पे अमल पैरा हो जाए। उसने तासुब से सर हिलाते उसके सर पे हल्की सी चपत रसीद की। अच्छा बाबा अब नहीं बोलूँगी पक्का। उसने मुस्कुराते उसके गाल खींचे। अब ये तो तुम हर मर्तबा कहती हो लेकिन फिर भी बाज नहीं आती। उसे मस्तूई तौर पर सख्त घूरी से नवाज सका। अच्छा अब चलो हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और हम कब से गाड़ी में बैठा वेट कर रहे हैं। और जल्लत में उसका हाथ थामती उसे साथ लिए अपनी मंजिल की जानिब चल दी। यार तुम दोनों कहाँ रह गई थी। तुम लोग जानती भी हो कि मैं मासूम भूख के मामले में इंतहाई नाजुक आसाब का मालिक हूँ लेकिन नहीं मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं। वो दोनों गाड़ी के पिछले सीट पे जो ही आकर बैठी और हमने रोनी सूरत बनाते हुए अपने पेट पे हाथ रखकर दुहाई दी। उसने देर कर दी करवाई है ये सिलिकॉन मैडम जब भी बीच साइड आती है ना जाने किस दुनिया की सैर को निकल जाती है। फिर चाहे कोई दीवार में अपना सर पटक पटक कर मर ही क्यों ना जाए। रिजा ने आते साथ ही अपनी सारी भड़ास निकाली। वैसे एक मजे की बात बताऊं यहाँ कोई दीवार ही नहीं है तो सर पटक पटक कर मरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों बॉस। और हमने बाजू पीछे करके उसे हाई फाई किया और दोनों जोर से कहका लगा उठे जबकि रिजा उसकी इस कदर बारीक बीनी पे अपना माथा पीट के रह गई। वो सिलिकॉन जर्दी क्या जो कभी किसी की बात में फंस जाए। वो तो लोगों को उलझाने का हुनर रखती थी। अच्छा बस बस अब चलो हम वैसे भी बहुत लेट हो चुके हैं। बड़ी की इतनी सारी मिस्ड कॉल आ चुकी है और हम तुम ड्राइव पे ध्यान दो। उसने मुंह चढ़ाते हुए कहा और फिर सिलिकॉन को देखा जो ड्राइविंग सीट पर बैठे आराम से खुशगप्पी में मसरूफ मुस्कुरा रही थी। उसे मुस्कुराते देखकर वो भी मुस्कुराती हुई उनके साथ मुंह गुफ्तगु हो गई क्योंकि सिलिकॉन जैदी की एक मुस्कुराहट ही उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए काफ़ी थी। बातों के दौरान गाड़ी कब फाइव स्टार रेस्टोरेंट के आगे आ रुकी उन दोनों को खबर ही ना हुई। लो पहुंच गए अब जल्दी चलो। बड़ी कब से हमारा वेट कर रहे हैं। और हम गाड़ी पार्किंग एरिया में खड़ी करता बाहर निकला तो वो दोनों भी निकलती दिखाई दी। ब्लैक जींस के ऊपर ब्लू टॉप जेबतान किए वो दोनों ही हर देखने वाली नज़र को खड़ा कर देने की सलाहियत रखती थी। दोनों की दुधिया रंगत सब्ज गहरी झील सी आंखें गुलाबी गाल खड़ी सुतवा बारीक सी नाक गुलाबी पंखड़ियों से नाजुक होंठ नाजुक सरापा और दोनों दिखने में जुड़वा ही मालूम होती थी। बस एक चीज़ थी जो उन्हें एक दूसरे से मुनफरिद बनाती थी और वो थी उनके चेहरे के तिल। रिजा के लबों के ऊपर एक छोटा सा तिल था जबकि सिलिकॉन के लबों के नीचे नाजुक सा तिल बड़ी आबोताब से चमकता। उन दोनों की खूबसूरती और उनकी एक सी ड्रेसिंग हर किसी को उनकी जानी मुतवज्जे करती थी। जबकि अरहम ने स्काई ब्लू कलर की टी शर्ट के नीचे वाइट जीन्स सेबतन की थी। गंदमी मगर साफ रंगत हल्की बड़ी हुई शेव लंबी नाक अनाबी लब छोटे छोटे आंखें 5 फीट 4 इंच से निकलता कद वो बहुत हैंडसम था। पार्किंग एरिया से निकलते अब वो तीनों रेस्टोरेंट के दाखिली दरवाजे से अपनी मतलूबा टेबल की जानी बढ़े थे जबकि वहाँ मौजूद काफ़ी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए थे। वेलकम बच्चों तुम लोग कहाँ रह गए थे। एक उधेड़ उम्र शख्स ट्री ट्रॉली घसीटते उनकी जानी बातें दिखाई दिया। अस्सलाम वालेकुम बड़ी। तीनों एक जुबान बोले। वालेकुम अस्सलाम बड़ी की जान जानते हो मैं कब से वेट कर रहा था। आई नो बड़ी वह एक्चुअली यूनि से निकलते निकलते देर हो गई और हमने सफाई पेश की। अच्छा अच्छा ठीक है हाशिम सर्व करो। फिरोज़ अंसारी के इशारे पे एक वेटर जो पास ही खड़ा था खाना सर्व करने लगा जबकि फिरोज साहब उनके साथ बैठकर अपने ही हाथ के बनाए हुए लजीज खाने से लुत्फानंदोज होने के साथ साथ खुशगप्पियों मसरूफ़ हुए। फिरोज़ अंसारी इतिहाद जदी के बहुत अच्छे दोस्त थे और अपनी डॉटर नरवीन अंसारी के साथ यहाँ लंदन में मुकीम थे। उनकी कोई अपनी औलाद तो थी नहीं इसीलिए वो अरहम रिजा और सिलिकॉन को अपनी बच्चों की तरह ही प्यार करते थे। वो तीनों भी उन्हें अंकल के बजाय बड़े कहते थे इसलिए कभी कभार जब उनका लंच का प्लान होता तो यहाँ आ जाते। फिरोज़ साहब हमेशा उन्हें बिल पे करने से मना करते लेकिन वो ज़बरदस्ती पे कर देते और अभी इसीलिए उन तीनों ने इस रेस्टोरेंट में आना बंद कर दिया था। आज अभी फिरोज साहब के बेहद इसरार पे वो तीनों यूनि ऑफ होते ही यहाँ आए थे। और सुना इतिहाज कैसा है। भाई बेवफा दोस्त तो बहुत देखे हैं लेकिन उससे ज़्यादा बेवफा कोई हो ही नहीं सकता। चलो मान लिया कि बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है लेकिन इंसान अपनी कीमती वक्त में से चंद मिनट निकाल कर बात ही कर लेता है। फिरोज साहब ने बच्चों की तरह शिकवा किया। हाँ 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 बड़ी आप बिल्कुल बच्चे लग रहे रिजा का कहे जिंदगी से भरपूर कहका गूंजा। बड़ी की जान तुम्हें पता है मैं उसके इस बिहेवियर से कितना हर्ट होता हूँ। उन्होंने मसनू आंसू साफ किए। मेरे क्यूट स्मार्ट एंड हैंडसम बड़ी आप पहले रोना तो बंद कर दे फिर आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। सिलिकॉन ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। ओके बताओ सुन रहा हूँ उन्होंने छोटे बच्चे की तरह मुंह फुलाकर कहा। दरहकीकत वो इतने गैर संजीदा नहीं थे कि लेकिन जब इन तीनों के साथ होते तो बिल्कुल बच्चे बन जाते। रिजा अरहम क्या ख्याल है बड़ी को बात बता दूँ या फिर
सिलिकॉन ने फिर को लंबा खींचते तजस्सुस पैदा किया। क्या बात है, वो मतजस्सुस निगाहों से तीनों के चेहरे तकने लगे। तो बात यह है कि डर ने आपके लिए एक मैसेज दिया है कि आज रात अगर आप नरमीन आंट के साथ घर आएंगे तो एक स्पेशल सरप्राइज़ आपका मंतजर होगा। तब तक आप ये सोचिए कि सरप्राइज़ क्या होगा। अगेन सी यू बडी, सो हम चलते हैं। वो तीनों उन्हें हैरत के समंदर में गोता जन छोड़ कर कुछ कहने का मौका दिए बगैर ऐसे अजलत में रेस्टोरेंट से निकले जैसे यहाँ कभी थे ही नहीं। जबकि वो वहीं बैठे रात के सरप्राइज के मुतालिक सोचने लगे और जानते थे कि ज़रूर कुछ ऐसा होगा जो उन्हें रात को चौंका देने वाला था, लेकिन अब वो कर भी क्या सकते थे। अब तो बस उन्हें रात का इंतज़ार था। वो इस वक्त अपने रूम में रखी आला तर्ज की चेयर पर बैठी थी। साथ धीमी आवाज़ में लगा म्यूजिक और कमरे की बंद लाइट्स लैम्प की हल्की रोशनी में उसका वजूद सही से दिखाई भी नहीं दे रहा था। शायद ये उसका रोज़ का मामूल था, किसी मेल सिंगर की आवाज़ में लगा ये गाना जैसे उसकी दिली कैफियत बयान कर रहा था, जिसके बोल कुछ यूं थे। कैसा दर्द है जो मिटता ही नहीं, ये कैसे अश्क है जो इन आँखों से बहते ही नहीं, एक ऐसा दिल है जो धड़कता तो है लेकिन जीता क्यों नहीं, यूँ आखिर क्यों। उसके अंदर एक चीख सी उठी, सिलिकॉन उफ, मैं क्या करूँ उस लड़की का, तुम्हारी अंधेरा करके बैठने वाली आदत कब जाएगी। रिजा कमरे की लाइट्स ऑन करती म्यूज़िक की धीमी आवाज़ और उसे चेयर पर गुमसुम देख कर अपना माथा पीट कर रह गई। उसे सिलिकॉन की आदत से सख्त खौफ होती थी। हाँ बोलो, सुन रही हूँ, चेयर से टेक लगाया ही कहा। कह तो ऐसे रही हो जैसे कोई एहसान कर रही हो, रिजा ने मुंह बसोरा। नहीं जानी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो अपना फेवरेट सॉन्ग सुन रही थी तो बेध्यानी में कह दिया, उसने वजाहत पेश की। अच्छा सही है, अब नीचे चलो, बड़ी आए हैं। अचानक ही उसके चेहरे पे गहरी मुस्कुराहट ने आता किया। हाँ चलो फिर, वो जो चंद मिनट पहले चेहरे पे करब लिए बैठी थी अब उसकी जगह हंसी और शरारत ने ले ली थी। वो अपने चेहरे के तासरात बदलने में माहिर थी, उसे देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता था कि वो क्या सोच रही है। उसकी अगर किसी को खबर होती तो वो सिर्फ और सिर्फ रिजा ही थी। अब आएगा मज़ा, ना चाहते हुए रिजा की हंसी छूट गई। उसमें हंसने वाली कौन सी बात हुई भला, सिलिकॉन ने हैरत से उसकी जानब देखा। अब रोने वाली भी कोई बात नहीं, रिजा ने मुंह के टेढ़े मेढ़े सामने किए। बस कर दे चुड़ैल, पूरी नागिन लगती है, उसे मुंह के डिज़ाइन बनाते देखकर वो कहे बगैर न रह सकी। पहले तुम चुड़ैल और नागिन के दरमियान का फ़र्क तो तय कर लो, उसके सर पर चपत रसीद करती हुई कहखा लगा उठी। चुड़ैल इंसान को खाती है और नागिन इंसानों को डसती है, और खाने वाला डसने वाले से बेहतर है। उसका लहजा एकदम ही कुछ अजीब सा हो गया जो रिजा ने भी महसूस किया, लेकिन वो उससे बाद में पूछने का सोचती जीने उतारने लगी, क्योंकि नीचे इब्तिहाज जैदी, अरहम जैदी और फिरोज़ अंसारी तीनों लाउंज में रखे बेशकीमती काउच पर बैठे थे। गुड इवनिंग बडी एंड माई वेरी स्मार्ट एंड टैलेंटेड बाबा जानी, सिलिकॉन दौड़ कर अपने पापा के पास गई और उनके गले में बड़े लाड से बाहें डाली। लाडली आ गई, शुक्र है, चलो अब इस बेसब्रे आदमी को क्यों ना धमाकेदार सरप्राइज दिया जाए। इब्तिहाज जैदी ने गोया सबसे तस्दीक चाही। यस बाबा जानी, रिजा के चेहरे पर शरीर सी मुस्कान बिखरी, जबकि फिरोज अंसारी तो बेचारे इस वक्त बौखलाहट के शिकार बारी बारी उन सब के चेहरे पढ़ने की कोशिश करते, गोया उन पर कुछ तहरीर हो। रिलैक्स बड़ी, रिजा उनके चेहरे पे परेशानी का तासुर देखती हुई बोली। अभी के बच्चे, तू मेरा दोस्त है दुश्मन, तूने मुझे पिछले आधे घंटे से किसी खुशी में यहाँ बिठा कर रखा है, जो सरप्राइज देते थे, वरना मैं जा रहा हूँ। फिरोज साहब उकता कर जाने के लिए उठ खड़े हुए, जबकि उनके चेहरे पे गुस्से से तासुरात देख कर सबकी एक साथ हंसी छूट गई। तो दिल थाम कर सुन, हम लोग नेक्स्ट वीक अरहम के लिए तुम्हारी भांजी का हाथ मांगने पाकिस्तान जा रहे हैं, बच्चों की उन्हीं का मसला भी हल हो जाए, और जैसे मैं बिजनेस वाइंड अप करूँगा साथ ये तीनों अपना फाइनल ईयर वहीं कंप्लीट कर लेंगे। तो कैसा लगा सरप्राइज, इब्तिहाज जैदी खुल कर मुस्कराए। यार तूने दिल खुश कर दिया, फिरोज साहब उनसे बकरगिर हुए तो उन्होंने भी अपनी बाहें वा कर ली। उन दो दोस्तों के बीच मोहब्बत खुलूस देख कर वो तीनों उनकी दोस्ती हमेशा बरकरार रहने के लिए दुआगो थे। अच्छा बच्चों, तुम सब अपने अपने रूम्स में जाओ, मुझे अपने दोस्त से बहुत सारी बातें करनी है। इब्तिहाज जैदी के कहने पे वो तीनों खामोशी से अपने अपने रूम्स की जानी बढ़ गए। फिरोज साहब की आंखों में पोशीदा अनगिनत सवाल देख चुके थे, इसलिए उन्होंने उन तीनों को वहाँ से भेज दिया। भाभी क्यों नहीं आई फिरोज,
इब्तिहाज साहब से जैसे बात नहीं बन पा रही थी, मैं रेस्टोरेंट से फ्री होता सीधा यहीं आ गया, उसे बताया नहीं। ये सब छोड़ो, मुझे पूरी बात बताओ, तुम पाकिस्तान क्यों जाना चाहते हो? फिरोज साहब के चेहरे पर हद दर्जे संजीदगी छाई। क्योंकि मैं आगा जान को सच्चाई से आगाह करना चाहता हूँ। उनकी आंखों में एक करप सिमट आया। और उन्हें सच्चाई से आगाह करने के लिए तुम्हें सबूत दरकार है, क्योंकि आज से 21 साल पहले भी तुम उस चौखट पर अपनी सच्चाई बताने गए थे, लेकिन फिर क्या हुआ? सब खत्म हो गया। फिरोज अंसारी के लहजे में तुल्खी उगली। हाँ मैं जानता हूँ, और मैंने उस दिन खुद से एक अहद किया था कि दोबारा कभी उस चौखट पर कदम नहीं रखूंगा, और मैं आज भी अपने अहद पर कायम हूँ। लेकिन मैं जब तक खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर लेता, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। वो एक उजम से बोले, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। खैर अब मैं चलता हूँ, काफ़ी देर हो गई, तुम्हारी भाभी भी राह देख रही होगी। वो कांव से उठ खड़े हुए और उनसे बगैर होते फीकी सी मुस्कान से अलविदाई कलमात कहते घर को चल दिए। सबके पीछे खड़े इब्तिहाज जैदी एक सर दहा भर कर रह गए।